हेलो दोस्तों, मंजूस फूड मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं मैंगो पुडिंग बनाने जा रही हूँ। पका आम के साथ, एक कच्चा आम है, थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आने के लिए। ये दो आम को मिलाकर इसको छिलका निकालकर, इसका पल्प निकालकर इसको पीसेंगे। एक आम को डेकोरेशन के लिए निकाल लेते हैं, काट कर ऊपर डेकोरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। पहले इसको छीलकर इसका पल्प निकाल लेते हैं। पल्प निकाल कर इसका मिल्कशेक बना लेते हैं। पका हुआ आम का पल्प निकाल लिए हैं, इसको डालेंगे, चीनी डालेंगे। पका आम के साथ थोड़ा सा खट्टा आम भी डालेंगे ताकि खट्टा मीठा स्वाद आए पुडिंग का। दूध डालेंगे इसमें, मिल्क शेक बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से, इसको मिल्क शेक जैसा बना लेना है। मैंगो देखिए अच्छी तरह से पीस गया है। अब इसका पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। इंडक्शन पर फ्राई पैन चढ़ा लिए हैं। आम का प्योरी जो की है इसको डाल देते हैं इसमें। देखिए डाल चुके हैं इसमें। इसको लगातार स्टर करते रहेंगे। कस्टर्ड पाउडर लिए हैं, वेनेला कस्टर्ड पाउडर। इसमें मिल्क डालेंगे, बॉयल मिल्क है, रूम टेम्परेचर में है। कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे इसको। कस्टर्ड पाउडर डालेंगे हिलाते हुए ताकि नीचे जमे ना। इसे लगातार स्टर करते जाएंगे, स्टर करते हुए इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि लम्स ना रहे। देखिए धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है ये। देखिए दोस्तों एकदम ठीक हो गया है। देखिए पुडिंग के लिए तैयार है। देखिए इस तरह से हो रहा है, यानी तैयार हो रहा है ये पुडिंग के लिए। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसकी एकदम कंसिस्टेंसी एकदम सही है। देखिए देखिए उठाने पर गिर नहीं रहा है, यानी एकदम सही है इसकी। इसी तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको मोल्ड में डालेंगे अभी जमने के लिए। देखिए मोल्ड लिए हैं, इसी मोल्ड में बनाएंगे मैंगो पुडिंग। इसको पहले तेल से ग्रीस कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से फैलाएंगे। देखिए देखिए अच्छी तरह से लग गया है तेल चारों तरफ। इसमें डाल देंगे मैंगो का
मैंगो का पेस्ट पूरा डाल दिए इस मोल्ड में। मोल्ड में अच्छी तरह से इसको फैलाएंगे। बराबर करेंगे चारों तरफ से। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने से। ये इसको बीच में टैप कर देंगे, एयर बबल जितना होगा अगर तो निकल जाएगा। अभी बहुत गर्म है, ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। पुडिंग देखिए कितना अच्छा बना है, मैंगो पुडिंग। जमने के बाद ये और अच्छा दिखेगा। दोस्तों फ्रिज में रख दिए थे, अभी देखिए पूरी तरह से जम गया है। ये 2 घंटा रखने के बाद निकाले हैं, देखिए फ्रीजर में रख दिए थे। इसे किनारे को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, बहुत ठंडा है, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देते हैं। पूरा जमा हुआ है, इसे किनारे से अलग कर लेंगे, किनारे से, ताकि निकालने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह से, देखिए अभी बहुत ठंडा है इसलिए थोड़ा सा गर्माहट मिलेगी तो ये अपने आप छोड़ देगी किनारा। दोस्तों इस तरह से प्लेट रखेंगे, प्लेट रखने के बाद इस तरह से पलट लेंगे। दोस्तों अभी इसे उठा लेते हैं, रूम टेम्परेचर में आ गया है। देखिए निकल गया, देखिए कितना अच्छा पुडिंग बना है, मैंगो पुडिंग। दोस्तों देखिए मैंगो पुडिंग बनकर तैयार हो गया, देखिए मोल्ड से कितने अच्छे तरह से निकल गया है ये। देखिए अभी इसे सजा लेते हैं। पका हुआ आम को काट लिए हैं छोटे छोटे पीस में, इसका अच्छा से डेकोरेशन कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा मैंगो पुडिंग बनकर तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा बना है। आप भी बनाइए इस तरह से, बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये। घर में आपके फैमिली को बहुत सब पसंद आएंगे, आपके बच्चों को ये। आप भी इस तरह से बनाइए अपने घर पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वीडियो में बहुत सुंदर लग रहा है।